अस्सलाम वालेकुम। तो आज से कुछ महीने पहले मैंने लिए कुछ मोर के बच्चे, क्योंकि मुझे हमेशा यह था कि मैं अपने फार्म में हर तरह के जानवर रखूं जो एक साथ घूमते रहें, जो आपस में एक साथ मिलजुल कर रहें। तो इसी तरीके से मैंने यही सोचते हुए मोर के कुछ बच्चे लिए, और हर तरह के मोर के बच्चे लिए। मैंने वाइट का पेयर लिया, मैंने वाइट का पेयर लिया, यानी वाइट वाइट और ब्लू का मिक्सचर होता है, तो और मैंने ब्लू शोल्डर का पेयर लिया। तो ये तीन पेयर मैंने लिए और मैंने अपने फार्म पर रखे। तो वो वक्त गुजरता गया और वो बच्चे बड़े होते गए। तो वो बड़े होते गए तो उनकी आपसी यकजहती ऐसी थी कि वो एक साथ ही चलते, एक साथ ही खाते और एक साथ ही उठते बैठते। तो आज की कहानी उन बच्चों के नाम। तो आए शुरू करते हैं। मोर जो कि खूबसूरती की एक अलामत समझा जाता है, इसे ब्रीडिंग करने में, अंडे बच्चे देने में बहुत वक्त दरकार होता है। तकरीबन 3 साल की उम्र में ये ब्रीडिंग करना स्टार्ट करता है। अगर आप चाहते हैं कि आप कहीं से मेल ले लें 3 साल का और कहीं से फीमेल ले लें, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये बचपन से ही एक दूसरे के साथ रहने वाले के साथ ही ब्रीडिंग करते हैं। ये एक दूसरे में आपस में फ़ौरन मिलजुल नहीं जाते जैसे मुर्गियाँ मिलजुल जाती हैं, नहीं, इनको बचपन से ही एक साथ रखा जाता है। तो इसी तरह से मैंने लिए कुछ मोर। मेरे मोर थे तो बहुत आवारा कि जब देखो वो बाहर निकल जाते थे, इधर उधर उड़ के बैठ गए और इधर उधर घूमना शुरू हो गए और आवारा गर्दी शुरू कर देते थे। और मैं जितना भी रोक लूँ लेकिन वो नहीं रुकते थे। वो किसी भी जगह पे ना छोटे से सुराग में से निकल जाते थे अपने मुंडियाँ निकाल के, और एक के पीछे एक के पीछे एक चल जाता था। क्योंकि आपको पता होगा कि ये मोर जो है उड़ने वाले जानवर होते हैं, तो ये बच्चे थे फिर भी लेकिन ना उड़ते थे ये, तो उड़ के ये बाहर निकल जाते थे। तो उस वक्त हमारे पास ना कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं थी कि हम उसको बंद कर सकें, या जहाँ जहाँ से सुराख हैं उधर से हम निकलने ना दें। तो वो इसी तरीके से ना वो बाहर निकल जाते थे, तो बड़े परेशान थे। उसको रात को वापसी लेके आना भी पड़ता था, कभी कभी खुद भी आ जाते। और मेरे कुछ यूँ कि उन्होंने ओढ़ के बाहर निकलना शुरू कर दिया, तो वो बाहर निकल गए यहाँ से। और मेरे मोर घूमते घूमते पहुँच गए चीकुओं के बाग में। तो हुआ कुछ यूँ कि यहाँ पे था एक आवारा कुत्ता, जो बाहर के कुत्ते होते हैं, तो उसकी नज़र मेरे मोरों पर पड़ी और उसने हमला कर दिया। उसमें से उसने पकड़ा ब्लू कलर वाले मोर को। तो जैसे ही उसने ब्लू कलर वाले मोरों को पकड़ा, तो बाकी तकरीबन तमाम मोर उड़ के अलग अलग जगहों पे पहुंच गए। लेकिन ब्लू कलर वाले का जो जोड़े का जो एक साथी था, वो उड़ के कहीं ऐसी जगह चले गया जहां से मुझे आज तक नहीं मिला। तो खैर, बाकी जो जितने मोर थे, जो 4 बचे थे, वो मुझे मिल गए, क्योंकि एक को कुत्ते ने पकड़ लिया, एक गायब हो गया, और बाकी 4 मैंने जगह जगह से ढूंढ के जमा कर लिए। तो उनको वापसी अपने फार्म में ले जाने के बाद मैंने 4 तरफ से बंद भी कर दिया था। उसके अलावा वो ख़ुद भी नहीं जा रहे थे, क्योंकि वो इतने सहम गए थे ना कि उनका दिल ही नहीं चाह रहा कि वो बाहर जाएं। इन चारों में शदीद मोहब्बत थी। फिर हुआ कुछ यूँ कि सफ़ेद वाला मोर बीमार हो गया और वो मर गया। उसके मरने के बाद उसका सफ़ेद वाला जो साथी था, वो भी गम में आ गया। उसने खाना पीना छोड़ दिया और वो भी एक कोने में बैठा रह गया। उसको हाथों से ज़बरदस्ती खिलाया जाता था लेकिन वो नहीं खाता था, मगर फिर भी हमने अपनी पूरी कोशिश करके उसको खिलाया। मानो ऐसा हो रहा था कि जैसे कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं आ रही थी। उसको जितना खिलाओ उतना पिलाओ उसको लग ही नहीं रहा था। वो इतने सदमे में था, गम में था, कि उसका साथी चले गया है, तो वो एक कोने में बैठा रहता था। उसको उठाता था फिर से वो बैठ जाता था। अब आप यही सोच रहे होंगे कि हो सकता है उनमें कोई बीमारी आ गई हो, जैसे कि रानी खेत, या उनको बुखार हो गया हो। नहीं, ऐसा नहीं था। मैंने उनका टेम्परेचर चेक किया, उनका टेम्परेचर नॉर्मल था। मैंने उनको जो है दवाइयाँ पिलाई कि वो थोड़ी सी ताकत ही पकड़ रहे थे। वो खाना ही छोड़ दिया था, उन्होंने चुगना ही छोड़ दिया था। उनके मुंह में ज़बरदस्ती खाना डाला जाता था लेकिन फिर भी वो सही से खा नहीं पाते थे। उनको पानी भी अपने हाथों से पिलाना पड़ता था सिरिंज के ज़रिए। तो उन्होंने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया था और उनकी टांगों में समझो जान जा ही रही थी। उनकी टांगें यूँ होती हैं और यूँ होए जा रही थी, मुड़े जा रही थी। तो इसका मतलब है उनको कोई बीमारी नहीं थी, वो कमज़ोरी की वजह से ऐसा हो रहा था। और फिर आखिर में हमारे पास बचा सिर्फ एक पेयर, जो कि पाइट का पेयर था। तो पाइट के पेयर के साथ हुआ कुछ यूँ कि वो उन्होंने भी खाना छोड़ दिया था, क्योंकि उनके बाकी साथी चले गए थे। असल में मोर जो है एक दूसरे से प्यार बहुत करते हैं। अगर उनमें से एक को भी कुछ हो जाए या चले जाए, तो दूसरा उसकी गम में जो है खाना पीना छोड़ देता है, उदास हो जाता है, गमजदा हो जाता है।
तो इसी तरह यहाँ पे भी हुआ कि वो मोर जो है उदास हो गए, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। हत्ता कि ये हुआ कि एक जो है मोर पैरालाइज हो गया, जो चल नहीं रहा था, तो दूसरा वाला वो उड़ के ऊपर बैठ सकता था, लेकिन रात भर अपना पर उस मोर के ऊपर रख के रात भर उसी के साथ बैठा रहता था ताकि उसको कुछ ना हो। तो इतनी मोहब्बत करने वाले जानवर हैं एक दूसरे से। तो हमने कोशिश की कि बच जाए बच जाए बच जाए, लेकिन जिस रात वो जो जिसकी टांग में मसला था, वो मतलब क्योंकि वो कमज़ोरी की वजह से उसकी टांग में मसला हो गया था, वो खा नहीं रहा था। हमने खिलाया लेकिन फिर भी उसको पूरा नहीं हो पा रहा था। तो उसकी जैसी जान निकली है उसी रात जो है उसके साथी की भी जान निकली है। तो वो आज का दिन है। तो मेरे पिंजरे में आप यहाँ से देख सकते हैं, ये अंदर दोनों की लाशें पड़ी हैं और एक ही साथ। इससे मुझे ये समझ आया है कि मोर खूबसूरत होने के साथ साथ बेइंतहा नाजुक होते हैं। ये नाजुक दिल के होते हैं कि अगर इनका साथी बीमार हो जाए या मर जाए तो जो वो बस्ती छोड़ देते हैं, या वो दीवाने हो जाते हैं, या वो बीमार हो जाते हैं, या खाना पीना छोड़ देते हैं। तो मोहब्बत अगर सीखनी है तो इन मासूम जानवरों जैसे मोरों से सीखनी है। तो आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।